रहीम, आज की बात में आज हम बात करेंगे हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है, उन पे हम कई सेशन कर चुके हैं। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कुछ खूबियों को पसंद करते हैं जो शरई तौर पे भी खूबियाँ पसंद की जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो खूबी उनको पसंद है, जो शख्सियात जो कौमें उन्होंने अपनी शायरी में समोई हैं, उनकी खसूसियात में सखावत बहुत अहमियत की हामिल है। तो उनके लिए कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के रिसाले में 7 सूरमियाँ हैं, यानी 7 औरतों का किरदार है। 10 दातार यानी 10 दाता हैं, देने वाले हैं, सखी हैं और सूरमे हैं, बहादुर हैं, शुजात को बहुत पसंद करते हैं। तो 7 उनके किरदार हैं, एक दो हम उनमें सेशन कर चुके हैं, कुछ करेंगे, मगर मजमूई तौर पर जिस कौम को पसंद करते हैं, जो सखी हैं, उनका जिक्र हम करेंगे। तो एक शेर है सुर दहर से हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का, उसके बाद कुछ पस मंज़र में हम जाएंगे। कहते हैं कि केर करींदी रीस आयल संगारंसी जनी जी खमीस वांडियूं वाड़े छड़ियूं। अब जब सखावत का नाम आता है तो दुनिया में जहाँ भी जिस कोने में भी हम जाएंगे तो एक बहुत बड़ा नाम आता है हातिम ताई का। तो हम चाहेंगे कि एक एग्जांपल उनकी ले, फिर हम उस कौम का जिक्र करें जिनका हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है। तो दुनिया में जब तक ये दुनिया कायम है तब तक वो नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले जिस शख्सियत ने जन्म लिया वो हातिम ताई थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी बहुत बड़ी इज्जत करते थे। सुना था कि एक ग़ुलामों के कबीले में उनकी बेटी आई थी, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम सुना था कि उनकी बेटी हैं, तो उन्हें रिहा कर दिया गया था। ये जंग के मामले कब बात का वाक़या है। तो एक अजीब व गरीब एक वाक़या है, बहुत हैरान कुन वाक़या है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। तोहफ़तुल अदब अरबी की बहुत बड़ी किताब है, बहुत मुस्तनद किताब है। उसमें एक वाक़या है कि हातिम ताई ज़िंदगी में तो सखी थे, मगर मरने के बाद एक वाक़या कोट किया है कि उन्होंने सखावत की है। अब मरने के बाद किस तरह सखावत होती है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। रिवायत है कि अबू हुरैरा के ग़ुलामों में से मुहज़्ज़ज़ एक ग़ुलाम था जो बाद में आज़ाद किया गया था। उन्होंने रिवायत की है कि अबुल कैस एक कबीला था, वो कबीले के लोग चंद ग्रोह की शक्ल में हातिम ताई की कब्र से गुजरे, तो वहीं पड़ाव करने के लिए, आरजी आराम करने के लिए थोड़ी देर ठहर गए। चूँकि उन्हें मालूम था कि हातिम ताई की कब्र है, तो वहीं लेट गए और बैठ गए। शाम का वक्त था, तो उनमें कहते हैं कि अबुल खैरी एक शख्स था जिसने खड़े होकर कब्र पर लात मारी और कहा कि उठो, तुम जिंदगी में तो बहुत बड़े सखी बनते थे, सखावत करते थे, और तू हमारी मेहमान नवाजी करो, हम तुम्हारे मेहमान बनकर आए हैं। ये कहना था कि अबुल कैस के एक ग्रोह के दूसरे शख्स ने कहा कि अकलमंद, ये तो अब मर गया है, कब्र में है, तुम्हारी ज़ियाफ़त कैसे कर सकता है, तुम्हारी मेहमान नवाजी कैसे कर सकता है। ये कहकर वो लोग बैठ गए। कहते हैं जैसे ही शाम के धुंधल के आने लगे, साया बढ़ने लगा, अंधेरा होने लगा, तो उनको नींद आ गई। जैसे नींद आई तो कहते हैं अचानक अबुल खैरी चिल्लाए और नींद से उठे। उन्होंने कहा कि मेरी उठने की टांग कट गई है, मैंने ख्वाब में देखा है कि हातिम ताई ने मुझे कहा है कि तुम्हारे उठने की टांग कट गई है। अब हैरान कुन बात ये थी कि जैसे ही सब लोग उठे हैं तो वाकई उठने की टांग कट गई थी। अबुल खैरी बहुत चिल्लाए और रोए, मगर अब कहा कि टांग कटी हुई है, अब ये मर जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा है कि इसे काट कर खाया जाए। बहुत शेर होकर 5-6 लोगों ने ऊँटनी का बहुत सारा गोश्त खाया, डकार ली और नींद आने लगी, तो सब ने हैरान कुन होकर कहा कि बड़ी अजीब बात है कि हातिम ताई की कब्र पर बैठे हैं और उन्होंने हमारी ज़ियाफ़त कर ली है। जब सोए सुबह उठे तो जाने लगे, अबुल खैरी को दूसरे ग्रह के लोगों ने अपने ऊँट पर बिठाया, जाने लगे तो थोड़ी दूर गए थे कि वहाँ से एक ऊँट सवार शख्स उन्हें दिखाई दिया और वो आया। उन्होंने कहा कि अबुल खैरी कौन है, तो अबुल खैरी ने कहा कि मैं हूँ, कहा कि मैं अदी हूँ, हातिम ताई का बेटा हूँ, मुझे रात को अब्बा ने ख्वाब में बताया है
कि मेरी कब्र पर कुछ मेहमान आए हैं, उनकी ऊँटनी से ही मैंने उनकी ज़ियाफ़त की है, तुम ये ऊँट उन्हें देकर दे आओ। अब हैरान कुन बात लिखते हैं अदब में, तोहफ़तुल अदब में, कि हातिम ताई का ये सच्चा और पक्का वाक़या है कि उन्होंने मरने के बाद भी सखावत की। अब थीम ये निकलता है कि इंसान जिस काम पर लगता है वो मरने के बाद भी उसका वही सिलसिला चलता है। अब आते हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उन किरदार पर कि संघार एक कौम थी जो समाट उनका कबीला था, जिस तरह हातिम ताई का ते कबीला था। समाट कौम थरपारकर में, बदीन में और कच्छ के इलाके में रहती थी। कहते हैं कि इतना उनकी सखावत मशहूर थी कि वो मालवंद लोग थे, गायें भैंसे रखते थे और उनका दूध दूर दूर तक जाता था। मगर बुध की शाम जुमेरात की रात को कहते हैं उन्होंने उसूल बनाया था कि दूध बेचना नहीं है, दूध बांटना है। तो बुध की शाम को वो ख़रीदो फरोख्त नहीं करते थे, दूध मुफ्त में बांट लिया करते थे। यानी जुमेरात के दिन किसी को भी पैसों से दूध नहीं मिलता था, लोग दूर दूर से आते थे और मुफ्त में दूध ले जाते थे। कहते हालत ये थी कि हिंदुओं को घी की ज़रूरत पड़ती थी, जो मक्खन से घी बनता था, मगर उन्हें भी वापस लौटाया जाता था और ये कहा जाता था कि जुमेरात को किसी को भी दूध पैसों से नहीं मिलेगा। यही मंजरनामा देखकर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि केर करींदी रीस, कौन उनसे पूछेगा, कौन उनका मुकाबला करेगा। आयल संगारंसी, ये जो संघार कौम है उनके साथ कौन मुकाबला कर सकता है। जनी जी खमीस, वाढ़ियों वाड़े छड़ियों, यानी जो खमीस होती है, जुमेरात होती है, वांडी जहां माल बांधा जाता है, जहां दूध निकाला जाता है, वो सारी की सारी कुर्बान कर देते हैं। दूसरी सखावत का आलम यह था कि वो रास्तों पर अपने लोग बिठाए रखते थे, जो भी मुसाफिर जाते थे उन्हें पहले खाना खिलाते थे, फिर जाने देते थे, पानी पिलाते थे, उनकी मदद करते थे। तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कहते हैं सुरहन संघारन जी सुरही आसुनाण, ये खूबसूरत लोगों की खूबसूरत पहचान है। सुरहन संघारन जी सुरही आसुनाण, पोए पियन पाण पहनी प्यारन पहेड़ू, बाद में वो खुद पीते हैं, पहले मुसाफिरों को पहेड़ों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। यही आलम है कि सखावत हर दौर में, हर ज़िंदगी के हर लम्हात में बहुत आला ज़र्फ रखती है। अगर हम सखावत से काम लेते हैं तो हम अमर काम करते हैं, हम ता अबद तक कायम रहते हैं। यही खूबियां होती हैं जो इंसान को अमर कर देती हैं, यादगार बना देती हैं और तारीख का एक किरदार बना देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।